गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास 10th, चैप्टर 13, सिविक्स, पेज 225, पार्ट 8 हो चुका था, पार्ट 9 पढ़ रहे हैं। कैबिनेट इज अ स्मॉल बट मोर इफेक्टिव पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइज द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल अदर मेंबर्स। मिनिस्टर्स आर ऑफ 3 कैटेगरीज। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में डिफरेंस क्या होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर में आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर में कौन आते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर में अलग अलग मंत्रालय के मंत्री, जैसे ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके जो मिनिस्टर हैं, प्रकाश करके नाम है उनका। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, तो वो सब इसमें आते हैं। स्टेट मिनिस्टर इट मीन्स चीफ मिनिस्टर, वो इसमें आएंगे। डिप्टी मिनिस्टर, जैसे आपने सचिन पायलट का नाम सुना होगा, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के, तो वो इसमें आएंगे। देखा जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंडर ये सब आते हैं। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये स्टेट मिनिस्टर और ये डिप्टी मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर को मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनता है। मतलब मंत्रियों का परिषद। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ, अंडरलाइन कीजिए, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द प्राइम मिनिस्टर। रियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट वेस्ट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड प्राइम मिनिस्टर। अब कुछ फीचर्स, स्पेशल फीचर्स ऑफ कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सुप्रीमेसी ऑफ द पीएम। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मार्क कर दीजिए। ही शी प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग का संचालन करता है। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग देम, देयर रिमूवल फ्रॉम देयर पोस्ट इज द प्रिविलेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखिए, मिनिस्टर को सिलेक्ट कौन करता है? अब प्रेसिडेंट करते हैं, पर किसकी मदद से? प्राइम मिनिस्टर की मदद से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, वर्क अलॉट करना, किस मिनिस्टर को कहाँ बिठाना है, या हो सकता है एक्सचेंज करने, मिनिस्टर एक डिपार्टमेंट से निकाल के दूसरे डिपार्टमेंट में डालने, ये प्राइम मिनिस्टर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग देम, देयर रिमूवल फ्रॉम देयर पोस्ट इज द प्रिविलेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ही शी प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। नो मेंबर ऑफ द कैबिनेट कैन एक्ट अगेंस्ट द विशेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कोई भी कैबिनेट का मेंबर कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा या एक्टिविटी जिससे क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो चाहते हैं उस प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं जाएगा कोई भी मिनिस्टर। ठीक है, जो उनकी विश है उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, वो लोग जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एक्ट के लिए। फॉर एनी एक्ट ऑफ अ मिनिस्टर ओनली मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। समझिए, एजुकेशन मिनिस्टर ने कोई गलती की तो सिर्फ वो मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। सीक्रेसी, होल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कैबिनेट आर सीक्रेट। जैसे कोई भी एक, जैसे समझिए डिमोनेटाइजेशन होना था, तो वो एक सीक्रेट था, अफवाह नहीं उड़ गई थी पहले ही, एक आधा महीना पहले कि डिमोनेटाइजेशन होगा। एकदम से 8 नवंबर को बोला गया कल से डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी होगी। तो जो कैबिनेट है ना, उसको बातें सीक्रेट रखनी पड़ती हैं। ठीक है, नो मिनिस्टर कैन मेक इट पब्लिक। मिनिस्टर हैज़ टू टेक ओथ ऑफ सीक्रेसी बिफोर टेकिंग ओवर द पोस्ट। जो कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं वो जब मिनिस्ट्री में आते हैं तो उनको शपथ लेनी पड़ती है कि हम जो यहाँ की बातें हैं वो सीक्रेट रखेंगे, पब्लिक नहीं करेंगे। पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज विथ रिगार्ड टू द प्रॉब्लम्स एंड मैटर रिलेटिंग टू इकोनॉमिक, सोशल, फॉरेन एंड पॉलिटिकल। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रेम्स सूटेबल पॉलिसीज। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं वो किसी भी मुद्दे से रिलेटेड, मतलब जो उनके डिपार्टमेंट का मुद्दा है उससे रिलेटेड, वो क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। जैसे फाइनेंस से रिलेटेड पॉलिसीज फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन कंसल्ट सबसे करेंगे। ठीक है, पीएम से, कैबिनेट मिनिस्टर से, लेकिन बनाते फाइनेंस मिनिस्टर है। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंस जानते हैं। वैसे ही हर कंसर्न डिपार्टमेंट से रिलेटेड पॉलिसी उनके मिनिस्टर्स बनाते हैं। मैटर रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट्स, अब अपॉइंटमेंट करना है, जैसे ऑल अपॉइंटमेंट्स इन द कंट्री एंड आउटसाइड लाइक द गवर्नर, गवर्नर मतलब राज्यपाल, स्टेट के राज्यपाल को अपॉइंट करना है, कौन करेगा? करेंगे तो प्रेसिडेंट साहब,
लेकिन प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेंसी से, और प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर आते हैं। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से भी एडवाइस ली जा सकती है कि गवर्नर किसको अपॉइंट करें। एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब क्या होता है कि जो इंडियन पर्सन बाहर जाके विदेश में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आप IFS ऑफिसर्स बोल सकते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ वेरियस कमीशन, जैसे UPSC हो गया, प्लानिंग कमीशन, अटॉर्नी जनरल एक्सेट्रा आर मेड बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अटॉर्नी जनरल आगे बताऊंगा क्या होता है। मैटर्स रिलेटिंग टू फाइनेंस, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री। हु? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द फाइनेंस मिनिस्टर ड्राफ्ट द बजट, प्रेजेंट इट बिफोर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आफ्टर इट्स अप्रूवल इट इज़ प्रेजेंटेड इन द हाउस। पहले जब भी बजट बनता है ना, तो जब बजट बोला जाता है, बजट बोलने के पहले वो जो बजट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से अप्रूवल मिलता है उसे, तभी वो पास होता है हाउस में, और फिर उस बजट को फरवरी के टाइम जनता को सुनाया जाता है। इफ द बजट इज नॉट पास्ड बाय पार्लियामेंट द होल कैबिनेट हैज टू टेंडर रेजिग्नेशन। दिस इज रिलेवेंट पॉइंट। एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन देता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को। हो सकता है प्रेसिडेंट एक्चुअली कोई भी काम करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से पूछ के ही करते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। अब हम पढ़ेंगे जुडिशियरी। जुडिशियरी इट मींस न्यायालय। सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल पे। फिर होते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, एवरी स्टेट हैज़ हाई कोर्ट, हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होता है। ठीक है, हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होता है, और हो सकता है ऐसा कि दो स्टेट को मिला के एक हाई कोर्ट बना दिया जाए, क्योंकि हो सकता है वो दोनों स्टेट छोटे हों इसलिए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे समझिए MP का एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट्स कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। द जुडिशियरी इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इन अवर कंट्री। इंस्टेड ऑफ डिफरेंट जुडिशियरी सिस्टम फॉर डिफरेंट स्टेट्स और यूनिट्स, यूनिफाइड जुडिशियरी सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड फॉर द होल कंट्री विच इज़ शोन इन द गिवन चार्ट। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द जुडिशियरी इज टू सेफ गार्ड, अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जुडिशियरी इज टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। इट प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग अ अनरिस्ट्रेंड और अनकंट्रोल्ड। ये गवर्नमेंट को प्रिवेंट करता है क्या बनने से? अनबैलेंस या अनकंट्रोल। हो सकता है कभी गवर्नमेंट अपनी मर्जी चलाए, अपना ही कंट्रोल बताए, तो जुडिशियरी उन्हें ये करने नहीं देगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन नहीं कर सकते, भले ही गवर्नमेंट पीपल्स उस पोस्ट पे बैठे हैं, स्टिल वो नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स। एपेक्स मतलब होता है हेड। ठीक है, जैसे RBI इज द एपेक्स बैंक, मतलब हेड ऑफ ऑल बैंक्स। एट द एपेक्स लेवल देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट अंडर द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑल द कोर्ट्स ऑफ कंट्री आर सबऑर्डिनेट टू इट। सब बाकी के सारे कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट। सुप्रीम कोर्ट में जज कितने होते हैं? आज प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में 30 जजेस हैं। ठीक है, 30 जज हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट नंबर ऑफ जजेस में चेंज कर सकता है। मेकिंग अ लॉ कैन मेक चेंज इन द नंबर ऑफ जज। प्रेजेंटली देयर आर 30 जज। अभी जो चीफ जस्टिस है इंडिया के, वो कौन है? शरद अरविंद बोबोले। शरद अरविंद बोबोले BOBOLE। आप लोग चाहें तो गूगल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ जज, जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? वो जज भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उस जज ने, ही हैव वर्कड एज अ जज इन एनी हाई कोर्ट। वो जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसने किसी हाई कोर्ट में वो जज रह चुका हो। ठीक है, वर्कड एज अ जज इन एनी हाई कोर्ट और टू और मोर कोर्ट्स, एक हाई कोर्ट में या दो में या दो से ज़्यादा में। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, वो भी कंटिन्यूसली 5 साल के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भले 10 साल किया पर 3-3 साल तक काम किया, कंटिन्यूसली 5 साल तक। अगर वो किसी हाई कोर्ट के जज रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं।
एक या दो से ज़्यादा हाई कोर्ट के जज, लेकिन कम से कम एक हाई कोर्ट का तो जज होना पड़ेगा। और शुड हैव एक्टेड, देखिए या हाई कोर्ट के वो जज हों कितने साल तक, 5 साल तक कम से कम, वो भी कंटिन्यूसली, एक हाई कोर्ट के हों उससे ज़्यादा हो तो चलेगा ही, और एक हाई कोर्ट के हों तो भी चलेगा। और अगर हाई कोर्ट के जज नहीं हैं, और शुड हैव एक्टेड एज एन एडवोकेट इन वन और मोर देन वन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, अगर वो जज नहीं है चलिए ठीक है, पर वो एडवोकेट होने चाहिए, वो भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, एक वन और मोर देन वन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में वो एडवोकेट होने चाहिए, मतलब वकील होने चाहिए, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा, कम से कम एक हाई कोर्ट में तो होना ही पड़ेगा। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए, मतलब अगर देखा जाए तो जज बनने के लिए या तो वो हाई कोर्ट के जज हों कंटिन्यूस 5 सालों तक, ठीक है, या तो वो एडवोकेट हो हाई कोर्ट में कंटिन्यूस 10 सालों तक। टेन्योर ऑफ जज एंड प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिमेन इन देयर पोस्ट टिल द अटेनमेंट ऑफ 65 ईयर्स ऑफ एज, 65 ईयर्स तक ही वो जज रह सकते हैं, उसके बाद उन्हें रिटायर होना पड़ेगा। वो चाहे ना 65 ईयर्स तक होते हैं पहली बात, दूसरी बात अगर वो पहले हटना चाहें तो वो रिटायरमेंट रेजिग्नेशन सबमिट कर सकते हैं कि मुझे और जज का डेजिग्नेशन नहीं चाहिए। बट दे मे इफ सो विश रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट बिफोर दिस पीरियड, इफ बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन सेम सेशन रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट बाई पासिंग अ रेजोल्यूशन बाई 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग टू रिमूव अ जज ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोवोक्ड मिसबिहेवियर और इनएफिशिएंसी, इन दैट केस द प्रेसिडेंट मे ऑर्डर द जज टू टेंडर रेजिग्नेशन फ्रॉम हिज हर पोस्ट। अगर देखिए बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने, लोकसभा और राज्यसभा ने रिक्वेस्ट किया प्रेसिडेंट को कि उसे हटा दो, लेकिन कितने लोगों को रिक्वेस्ट करना है, 2/3, समझिए 66 लोग हैं तो एटलीस्ट 44 लोग बोले, ऐसे नहीं कि 66 लोगों में से 10 लोगों ने कहा तो हटा दिया, 66 हैं तो इसका 2/3 होगा 44, एटलीस्ट 2/3 लोग अगर बोलेंगे तो ही उस जज को हटाया जाएगा, ठीक है। और क्यों हटाएंगे, अगर लगे कि जज ने प्रूव ऐसा हो जाए कि जज ने मिसबिहेवियर किया है, ठीक है, या कोई गलत फैसला सुनाया है, कुछ करप्शन किया है, तो पे अलाउंस एंड पेंशन ऑफ जजेस, द पार्लियामेंट बाई लॉ डिसाइड्स पे एंड अलाउंस ऑफ द जजेस, सो ऑल्सो द जज आर एंटाइटल्ड टू फैसिलिटीज लाइक मंथली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, हाउस अलाउंस, स्टाफ कार एक्सेट्रा, दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू पेंशन एंड ग्रेचुटी एज पर रूल्स। अब क्या होता है, पार्लियामेंट बाई लॉ, जो पार्लियामेंट रहता है ना वो लॉ पास करके ये तय कर सकते हैं कि जज को कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है, कितने अलाउंसेस मिलेंगे, अलाउंस मतलब उसे पेट्रोल अलाउंस, इट मींस पेट्रोल का पैसा मिलेगा, हो सकता है उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए हो, 1,50,000, उसको साल भर का पेट्रोल का खर्चा समझो 20,000 मिले, टेलीफोन अलाउंस समझो 10,000 मिले, ट्रैवलिंग अलाउंस समझो 20,000 और मिले, ऐसे करके सैलरी हो गई 2 लाख, और भी अलाउंस मिलेंगे तो वो सैलरी में जुड़ते जाएंगे, पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी पार्लियामेंट में डिसाइड होगा, एंड ग्रेचुटी, ग्रेचुटी क्या होता है, एक पेमेंट होता है, कैसा पेमेंट, अगर 5 साल तक कंटिन्यूस एक जॉब में रहो ना, चाहे प्राइवेट जॉब में रहो चाहे गवर्नमेंट जॉब में, तो ग्रेचुटी मिलती है, पर ग्रेचुटी एक्ट सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ प्राइवेट कंपनीज देती हैं कुछ नहीं देती, जिस पर वो एक्ट एप्लीकेबल होगा वही कंपनीज देंगी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, तो ग्रेचुटी कब मिलती है, 5 साल कंटिन्यूस सर्व करने पर, काम करने पर। इम्यूनिटीज ऑफ जजेस, नो पर्सन और इंस्टीट्यूशन कैन पब्लिकली क्रिटिसाइज दी वर्क ऑफ दी ऑनरेबल जज, नहीं कोई पर्सन नहीं कोई संस्था जो जज है उसके काम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती, बुरा भला नहीं बोल सकती, नहीं जज को बोल सकती है, इवन दी पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, चाहे वो पार्लियामेंट संसद हो चाहे विधानसभा हो, कैन नॉट क्रिटिसाइज एनी ऑफ देयर जजमेंट्स इंडिविजुअली और इन अ कंबाइंड मैनर, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली अकेले चाहे पार्लियामेंट चाहे दोनों मिलके किसी भी जज के जजमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती कि गलत कहा, ऐसा नहीं सुनाना चाहिए था, वो भले बोले कि हाँ गलत डिसीजन है, पर ऐसा नहीं कि उसको रिवर्स करा दे डिसीजन को, या जज के ऊपर हरास किया जाए, जज को सप्रेस किया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा लोग बोलते हैं कि डिसीजन गलत आया है, पर चेंज नहीं करा सकते ना डिसीजन को, पीठ पीछे तो अपन बोल सकते हैं लेकिन सामने क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ओथ बाई जज, एवरी जज हैज़ टू टेक एन ओथ, ओथ मतलब शपथ इन द फॉर्मेट लेड डाउन बाई दी कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर एज्यूमिंग ऑफिस, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है वैसी जज को शपथ लेनी पड़ेगी। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट्स ओथ, जो प्रेसिडेंट के सामने ओथ ली जाती है, प्रेसिडेंट प्रबंध कराते हैं बंदोबस्त सबका, ओथ वगैरह का।
प्रेसिडेंट के सामने शपथ लेते हैं। ओथ ऑफ ऑफिस टू द चीफ जस्टिस एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर जजेस इज इट इज़ द चीफ जस्टिस हु एडमिनिस्टर देम ओथ ऑफ ऑफिस। जो अदर जज की ओथ है वो कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस। पहले प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को शपथ दिलवाते हैं, फिर चीफ जस्टिस अदर जजेस को शपथ दिलवाते हैं। बैन ऑन प्रैक्टिसिंग बाई जज आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद जैसे 65 साल की एज मान लीजिए उनकी हो गई, ठीक है, तो अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया और अपीयर बिफोर एनी अथॉरिटी एज एन एडवोकेट। जैसे समझिए जज अगर रिटायर हो गया तो ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरे कोर्ट में मान लीजिए प्रैक्टिस करने चला गया, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जज एक बार रिटायर हो गया तो किसी दूसरे कोर्ट में प्रैक्टिस करने नहीं जाएगा, और ऐसा नहीं कि वो किसी क्लाइंट उसने अपने बना लिए वो एडवोकेट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार वो रिटायर हो गया तो फिर वो ये दो चीज़ें नहीं कर सकता। वो किसी का एडवोकेट भी नहीं बन सकता, किसी फर्म का, किसी बिजनेस एंटिटी का, ठीक है, और इंडिपेंडेंट केस भी नहीं लड़ सकता। जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का दायरा और उसकी पावर। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सच डिस्प्यूट विच कैन नॉट पुट अप इन अदर कोर्ट्स इफ ऑफ द कंट्री आर पुट अप इन द सुप्रीम कोर्ट। जो कहीं मुद्दा नहीं ले जाया जाता, सब जगह से हटकर आ जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है। विच कैन नॉट पुट अप इन अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री आर पुट अप इन सुप्रीम कोर्ट्स। डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स। होता क्या है, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो गया। समझो एक सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई एक स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो गया, या सेंट्रल गवर्नमेंट और एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट है, एक ये डिस्प्यूट। और कौन सा डिस्प्यूट? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ हैं और एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच डिस्प्यूट। तीसरा, डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, मतलब सेंट्रल स्टेट के बीच में डिस्प्यूट, स्टेट स्टेट के बीच में डिस्प्यूट, या सेंट्रल स्टेट साथ हैं और दो स्टेट दूसरी हैं इनके बीच में डिस्प्यूट। इसके डिस्प्यूट को कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू टेक एक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। समझो किसी पर्सन के साथ गलत हुआ, उसने कंप्लेन लिखाई, पुलिस ने कंप्लेन नहीं लिखी, तो फिर उसका केस जाएगा पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएगा उसका केस हाई कोर्ट में, अगर उसने और आगे अपील की तो हाई कोर्ट के पास जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रहती है कि उसके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे। अपीलेट जुरिस्डिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट एंड फाइनल कोर्ट ऑफ अपील ऑफ द कंट्री। ठीक है, जैसे अपील ऑफ द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल कोर्ट है, किस लिए? कोई भी डिसीजन डिक्लेयर करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट मतलब एक रिक्वेस्ट की जगह है, जहाँ पे लोग अपनी रिक्वेस्ट करते हैं और फिर उन्हें न्याय मिलता है, तो ये हाईएस्ट एंड फाइनल कोर्ट है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू हियर फॉलोइंग अपील्स। विच अपील्स? कॉन्स्टिट्यूशनल अपील्स, क्रिमिनल अपील्स, स्पेशल अपील्स, सिविल अपील्स। कॉन्स्टिट्यूशन इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अपील, जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हुआ है तो उससे रिलेटेड अपील। सिविल अपील, जैसे दो टाइप के वकील होते हैं, सिविल लॉयर और क्रिमिनल लॉयर। सिविल लॉयर मतलब जैसे किसी के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स का जुर्माना ठोक दिया, उसे लगता है कि मुझे टैक्स नहीं भरना है, तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट के ऊपर केस कर देगा। या किसी की जमीन हड़प ली गई, ये सिविल केस में नहीं आएगा, मर्डर वगैरह आएगा क्रिमिनल केस में। ठीक है, तो मैंने जैसे भी टैक्स का एग्जांपल दिया, या हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ कर रही हैं, कोई फॉर्मेलिटीज़ लग रही हैं कोई बिजनेस ओपन करने में, गवर्नमेंट उससे बहुत फॉर्मेलिटीज़ करवा रही है, भले ही वो इतनी फॉर्मेलिटीज़ है नहीं, तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर दिया कि गवर्नमेंट की वजह से मुझे बहुत दिक्कतें गई, जिसकी वजह से मुझे मेरा मानसिक उत्पीड़न हुआ, ठीक है, मेरे बॉडी में इफेक्ट पड़ा, मेरे पैसे लूज हुए, तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। खून खराबे वाले केसेस क्रिमिनल अपील्स में जाएंगे। स्पेशल अपील्स मतलब जो इन तीनों में कवर नहीं होती वो स्पेशल अपील्स होती हैं। कंसल्टेटिव फंक्शन अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ द प्रेसिडेंट सीक्स एडवाइस ऑन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैटर द सुप्रीम कोर्ट मे गिव सच एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। जो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अगर प्रेसिडेंट ने मांगी एडवाइस, ठीक है, किसी लीगल मैटर पे, तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा। जुरिस्डिक्शन एज टू जुडिशियल रिव्यू। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू एग्जामिन द वैलिडिटीज ऑफ लॉस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज एंड सी वेदर दे आर इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और नॉट। समझिए कोई लॉ पास हुआ, ठीक है, कोई स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ पास किया, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ पास किया, अब वो लॉ इनकेस कॉन्स्टिट्यूशन
को वायलेट करता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उनको बताएगा कि जो आपने लॉ बनाया है या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तो ऐसा लॉ ना बनाया जाए। ठीक है, समझिए, शिवराज सिंह चौहान ने बोला ये लॉ बनाते हैं या नरेंद्र मोदी जी ने, और वो लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा आप ये लॉ नहीं बना सकते, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ना जितने जो न्याय वगैरह सुनाता है ना उसका क्या है, रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, वो भी इन राइटिंग, इन दे आर कैप्ट एज रिकॉर्ड इन दी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, दीज जजमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड एज एग्जाम्पल इन दी सबॉर्डिनेट कोर्ट फॉलो देम। क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जो न्याय वगैरह सुनाए केसेस के, वो उसका रिकॉर्ड रखता है। अब क्या होता है, जो छोटे कोर्ट्स रहते हैं, मान लीजिए उनके पास भी कोई ऐसा केस आ गया जो सुप्रीम कोर्ट में आया था, तो छोटे वाले कोर्ट जो हैं उनके जजेस को लग समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, तो फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखेंगे कि हाँ उस टाइम क्या हुआ था, वही ये भी करेंगे। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसी का ही रेफरेंस लेके आके बात करेंगे। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का और क्या काम होता है, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। ये वैसे बहुत कम होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट क्या करे, इंस्पेक्शन करे और इंक्वायरी करे सबॉर्डिनेट, मतलब जो छोटे कोर्ट्स हैं उनकी, टू डिसाइड सर्विस कंडीशन, प्रमोशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ इट्स ओन स्टाफ एज वेल एज सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स एंड स्टाफ। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है कि सर्विस कंडीशन, कौन कितने समय तक कार्यकाल में रहेगा, 10 साल और या एक दिन में 8 घंटे काम करना या 10 घंटे काम करना, प्रमोशन होना चाहिए कि नहीं, सर्विसेज अब टर्मिनेट कर दें कि नहीं, किसकी, खुद के स्टाफ की एंड सबॉर्डिनेट स्टाफ एज वेल एज सबॉर्डिनेट स्टाफ जो नीचे की अदालतें हैं ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके स्टाफ की भी। पावर टू पनिश एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हर वो पर्सन जो दोषी पाया गया, किस लिए दोषी पाया गया, क्यों, क्योंकि वो कोर्ट का अपमान कर रहा था, ठीक है, तो उसको पनिश करने का अधिकार है। द वर्क एंड कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्ट्रेंथ द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री एंड द राइट्स ऑफ सिटीजन्स हैव बीन प्रोटेक्टेड। पार्ट 9 इज ओवर, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।